6 मई 2010, एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर अपने बेडरूम के अंदर बैठे बैठे अपने ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर एक बटन दबाता है और वहां पर यूएस स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे गिर जाता है और उसके बाद कुछ मिनटों के बाद उसके अंदर रिकवर भी आ जाती है। बट इस फ्लैश क्रैश के अंदर ही बंदा 200 करोड़ से भी ज्यादा पैसे बना लेता है। नाम है नविंदर सिंह सराव। ये स्कैम किया गया था एक अल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को यूज करके। इस सॉफ्टवेयर एक्चुअली करता ये था कि काफी सारे पॉइंट के ऊपर सेल ऑर्डर लगाता था और उन्हें एग्जीक्यूट नहीं करता था। बट इसके अंदर क्या हुआ कि सप्लाई बढ़ गया मार्केट के अंदर और इसके चलते जो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया, थोड़ा मार्केट गिर गया, उसके बाद काफी लोगों को लगा कि मार्केट गिर रहा है तो काफी लोगों ने सेलिंग स्टार्ट कर दी और उसके बाद एक शार्प फॉल आ गया। बट इसको पता था कि एक आर्टिफिशियल फॉल है तो उसने जो बॉटम पे काफी सारी बाइंग कर ली और इस तरीके से ये जो स्कैम एग्जीक्यूट किया। तो अगले 3-4 साल तक यूएस गवर्नमेंट इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती रही बट 2015 में जाके पता चला तो उन्हें जो एक गिरफ्तार किया गया। बट उसके बाद एक चमत्कार सा हुआ। यूएस गवर्नमेंट ने कहा देखो आपने स्कैम किया बट आपके अंदर एक टैलेंट है, क्यों ना इसे अच्छे के लिए यूज किया जाए, आप हमारी हेल्प कीजिए बहुत सारे स्कैमर्स को एक्सपोज करने के लिए और हम आपकी जो सजा कम करवा देंगे। तो वैसे हुआ, नविंदर सिंह ने अगले कुछ सालों तक यूएस गवर्नमेंट की हेल्प की और उसके बाद उन्हें जो है छोड़ दिया गया।